नमस्ते दोस्तों, हम सब जैसे खाना खाते हैं वैसे हमें एनर्जी मिलता है, हम रेस्ट भी लेते हैं, हम थोड़ा मेडिटेट करेंगे तो और एनर्जी मिलेगा। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उसकी बैटरी जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी ही एनर्जी स्टोर करती है और जितने अच्छी तरीके से आप बैटरी को मेंटेन करोगे उतना ही वो अच्छा कर पाएगा। आप सोचोगे सर आप ये क्यों बोल रहे हो, भाई यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया है, क्या नाम है उनका, राजेंद्र सिंह सर है, टेल मी एक्सप्लेन इन ओला S1X 4 kWh और स्कूटर नॉट अलाउड फॉर रनिंग बिलो 10% बेटर इट्स निगेटिव फॉल। ओके, तो इनका कहना है कि ओला S1X वाले बोलते हैं या ओला इलेक्ट्रिक वाले बोलते हैं कि उनकी जो ओला S1X 4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो 10% के नीचे क्यों नहीं यूज करनी चाहिए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट राजेंद्र सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सिर्फ ओला के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मैंने यहाँ पे थंबनेल में आपको दिखेगा सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी 10% से नीचे क्यों नहीं यूज करनी चाहिए, मुझे आप बोलो। आपको इस मेरे कमेंट से ही जवाब मिल जाएगा। मुझे आप बोलो, अगर आपने दिन भर काम किया है, खाना नहीं खाया है, आप में एनर्जी नहीं है और आपको बोला कि भाई काम करो, तो कैसा होगा काम, क्या वो काम अच्छा होगा? काम तो बुरा ही होगा। पहला, वर्क अच्छा नहीं होगा, वर्क डन विल बी पुअर। ओके, और उसके ऊपर से अगर आपको उस क्षण में और ज्यादा काम दे दिया तो उसका क्या होगा, हेल्थ पे इंपैक्ट होगा, आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट होगा। सही बात है ना, अगर आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट हो जाए तो वो काम करके भी कुछ फायदा नहीं है। तो यहां पे दो चीजें हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब कम एनर्जी है, आप में आपने खाना नहीं खाया है बट फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, तो पहला आपका परफॉर्मेंस वीक होगा, सेकेंडली आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होगा। सेम इज एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट लिथियम आयन जब बैटरी होती है, तो लिथियम आयन बैटरी जो होती है ना, आपको पता होगा जो मोबाइल फोन्स है उसमें अभी फीचर आ चुका है। क्या फीचर है, 20% के नीचे जो है बैटरी सेविंग मोड हो जाता है चालू, उसको आप ऑफ कर सकते हो बट होता है। ओके, और 80% से ऊपर उसको हम चार्ज नहीं करते। तो लिथियम आयन बैटरी जो है ना, तो 20% to 80% में ये बेस्ट काम करती है, 20% to 80% में ये बेस्ट काम करती है, इसका लाइफ भी अच्छा मेंटेन रहता है। अगर 20% के नीचे उसको अगर आपने डिस्चार्ज किया तो इसके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। 20% के नीचे, 20% के नीचे बोल रहा हूं मैं, अगर आप जाओगे तो क्या होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, और क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस भी डाउन होगा। समझ में आ रहा है, हेल्थ पे तो इम्पैक्ट होगा ही बट परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करते हैं उनको पता है, अगर बैटरी कैपेसिटी इनिशियली फुल चार्ज्ड है तो जो गाड़ी परफॉर्मेंस देती है वो बेहतरीन होता है, एज कंपेयर टू अगर बैटरी कैपेसिटी 30% या 20% के नीचे चली जाए। अगर 20% या 30% के नीचे आपकी बैटरी कैपेसिटी चली जाए तो आपका स्पीड कम हो जाता है, आपको रेंज कम मिलने लगती है, ये आपने देखा ही होगा। तो ये सिर्फ ओला के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं, आपके मोबाइल फोन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका मोबाइल फोन आप 20% से नीचे इसको यूज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, तो आपको लगेगा क्या भाई मैं चूस रहा हूं बैटरी, बट भाई इसका इम्पैक्ट जो है इसके हेल्थ के ऊपर होने वाला है। आपको अभी नहीं पता चलेगा बट बाद में आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी है उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। वैसा ही सिमिलर इम्पैक्ट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलेगा अगर आप आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी 20% से नीचे यूज कर रहे हो, तो कुछ महीनों बाद आपको पता चलेगा कि इसका परफॉर्मेंस जो है, जो रेंज ये देती थी वो कम हो चुकी है, और इसकी वजह से आपको क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी कितनी बुरी है। मैं तो बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन। अगर जैसे आप ऑफिस में जाना चाहते हो, रोज आपको पता है सुबह आप मोबाइल फोन चार्ज कर लेते हो, उसका बैटरी का हेल्थ अच्छा मेंटेन कर लेते हो, क्योंकि आप इस डिवाइस से यूज टू हो चुके हो।
वैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल से यूज टू होने के लिए टाइम लगेगा। अभी अभी हमारे देश में शुरुआत हुई है, सिर्फ 5% व्हीकल जो रास्ते पे है वो इलेक्ट्रिक है, बाकी सब अभी भी पेट्रोल या डीजल है। तो पहले डिसिप्लिन, आपको हमेशा याद करना है कि 20-80% में ही आपको ईवी यूज करना है, नहीं तो उसके SOH पे इंपैक्ट होगा। SOH, SOH मींस स्टेट ऑफ हेल्थ, ओके, स्टेट ऑफ हेल्थ, ओके। और ये क्या है 20% to 80%, दिस इज SOC, स्टेट ऑफ चार्ज। इसका स्टेट ऑफ चार्ज मतलब अभी इस मोमेंट पे बैटरी कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ चार्ज। तो वो 20-80% में मेंटेन करना है। और स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो अगर आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो इस रेंज में आपको यूज करनी है, ज्यादा डिस्चार्ज भी नहीं करना है, ज्यादा चार्ज भी नहीं करना है। अभी इसका बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो एथर ने किया है। अगर आप एथर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जाके जरा सर्च करना, मैं ये नहीं दिखाऊंगा इसमें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 6 मिनट का लगभग हो चुका है। अगर आप एथर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने सीधा क्लेम किया है, अगर आपके बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ 70%, आप क्रॉस चेक कर लेना, गलत भी हो सकता है, स्टेट ऑफ हेल्थ अगर 70% से कम है, कुछ स्पेसिफिक किलोमीटर्स के लिए कम हो गई वो, तो वो पूरी बैटरी रिप्लेस करके दे देते हैं। और ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है शायद 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी, 25,000 से 30,000 किलोमीटर, बट जो रेंज है वो बहुत ट्रिमेंडसली डाउन हो चुकी थी, स्टेट ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, तो एथर ने उनका पूरा बैटरी रिप्लेस करके दिया। तो ये सिर्फ एथर या ओला के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर मोबाइल फोन, हर चीज जहां पे लिथियम आयन यूज होता है वहां पे आपको 10% क्या मैं बोलूंगा 20%, अगर 20 भी डिफिकल्ट जा रहा है 15% एटलीस्ट, 15% के नीचे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज नहीं करना है, क्योंकि पहला उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, आप ज्यादा चूसोगे उसको बैटरी को, ज्यादा उसमें जो जूस है, जो चार्ज है उसको चूसोगे तो परेशानी हो जाएगी और उसके हेल्थ पे इंपैक्ट होगा। तो आई होप जो सर है जिन्होंने सवाल किया था, मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसको डिफिकल्ट भी कर सकता हूँ, थोड़ा टेक्निकल घुस के इसको डिफिकल्ट भी कर सकता हूँ, बट मुझे इजी रखना है। राजेंद्र सिंह सर, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्यों ओला S1X 4 kWh की बैटरी 10% से ज़्यादा यूज नीचे यूज नहीं कर रही है। और ये सिर्फ आपकी ओला के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर मोबाइल फोन जिसमें लिथियम आयन है उसका एप्लीकेबल है। तो ईवी 10% के नीचे क्यों नहीं चलाना चाहिए, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आप देख रहे हो सब्सक्राइबर्स के कमेंट पढ़ने के बाद, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है नहीं वो भी नहीं पता मेरे को, बट उनके कमेंट पढ़ने के बाद उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो उस एफर्ट्स के लिए आपका हर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा, वो प्लीज आप देते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी सवाल हो तो कमेंट्स में डालो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।